नमस्कार दोस्तों, इनकी आयु 33+3 मंथ की हो चुकी है। पैसा देने की क्लियर कट बहुत अच्छी साइन है। ये सरकारी जॉब में है पर इनके पास चाहे घुस से या चाहे और कोई माध्यम से, मैं ये नहीं कहता कि घुस से ही आएगा पैसा, या तो घुस से या कोई और माध्यम से भरपूर पैसा आएगा, भरपूर। इतनी अच्छी साइन है इनके हाथ में। अब इनके जीवन के जो उतार चढ़ाव है वो भी समझने की कोशिश करते हैं। जब किसी व्यक्ति के हाथ में सीधी या धनुषा का रेखा बने तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा समझदार होता है और जीवन में जो अपॉर्चुनिटी आती है उसे ग्रैब करके आगे बढ़ता है। ये पूरा स्क्वेयरिश पाम है। ऐसे लोग मेहनती होते हैं और मेहनत करके अपने जीवन को सफल बनाते हैं। फर्स्ट फैलेंज नुकीला कम है तो इधर उधर ध्यान भटकता होगा। सेकेंड फैलेंज अच्छा है, लॉजिक के साथ तत्व के साथ बात रख पाते होंगे। पर अंगूठा छोटा है तो कॉम्प्रोमाइज नेचर भी होता है व्यक्ति का। उंगलियां छोटी है, हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या ज़्यादा रहती है और फास्ट निर्णय लेते। सूर्य की उंगली काफ़ी बड़ी है, ये बहुत ज़्यादा हिम्मती स्वभाव व्यक्ति को देती है और ईश्वर ने एक बहुत अच्छा काम किया इनके हाथ में, ये उंगली बड़ी दे दी। ये जब किसी व्यक्ति के हाथ में बड़ी उंगली हो तो एक तरह का आशीर्वाद समझिए। डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट और अकाउंट, इतनी सारी चीज़ों में ये लोग एक्सपर्ट होते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा आशीर्वाद है और ये सारी चीज़ों में व्यक्ति एक्सपर्ट हो बहुत अच्छा होता है, जीवन जीना बहुत आसान हो जाता है। अब एक एक करके आगे बढ़ते हैं। बुध पर्वत पर खड़ी लाइन, ये लाइन भी अगर किसी व्यक्ति के हाथ में हो तो बुढ़ापे में भी व्यवस्थित इनकम आती है और बुध पर्वत अच्छा है। और जब बुध अच्छा हो तो कहीं ना कहीं सुंदरता व्यक्ति को मिलती है और यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा उभार है तो नाम के प्रति ज़्यादा जागरूक होता है व्यक्ति। छोटा भी काम करे तो इनका मन करता है मेरा नाम होना चाहिए। यहाँ पर यश साइन है, ये व्यक्ति को फेम देती है। अब मैं आपको इनकी साइन दिखाता हूँ और कम से कम वो साइन क्लियर करने में इनको 3 से 4 दिन लगे, वो ये साइन है, ये देखिए। और ये कई लोगों को मतभेद होते हैं, ये साइन को आप जब आंखों से देखते हो तो आपको समझ में नहीं आता, ऐसा लगता है फिश साइन है, पर उसकी मूछे और पूछे देखनी जरूरी है और इन्होंने मेहनत की और वो सामने लेकर आए। ये देखिए, ये यहाँ से लाइन घूम रही है और ऐसा चलकर ऊपर जा रही है और ये लाइन तो सीधी चली रही है। हाँ, ये थोड़ी पतली होती तो बहुत ज़्यादा पैसा आता था, पर इतनी साइन में भी बहुत ज़्यादा पैसे आएंगे इनके पास, बहुत ज्यादा। और एक यहां पर भी है, जब बड़ी दिख जाए तो फिर छोटी की और कोई उसका यूज मतलब नहीं आता। बाकी सरकारी जॉब में ये स्क्वायर साइनें तो होती ही है, वो ऑलरेडी है ये इनके हाथ में। यहाँ विद्या रेखा भी बनी है, व्यक्ति को बेसिक नॉलेज अच्छा खासा होता है और लोग पूछ पूछ कर काम करते हैं और जैसे जैसे उम्र आगे बढ़ेगी ज़्यादा लोग पूछ पूछ कर काम करेंगे। शनि पर्वत एकदम फ्लैट है, आलस क्या होता पता ही नहीं होता। जुपिटर माउंट छोटा है, खराब नहीं है, छोटा है। ये व्यक्ति को परिवार से दूर रखता है, यानी खुद की पत्नी या बच्चों से नहीं, माँ बाप, भाई बहन, चाचा मामा, बुआ, इन सब से दूर व्यक्ति रहता है। और
चाहिए उतना स्टेटस नहीं मिलता, और इनके सामने शुक्र पर्वत ज़्यादा अच्छा और जुपिटर ख़राब है। अगर इन दोनों को बैलेंस किया जाए, मैं उपाय दे सकता हूँ, बैलेंस किया जाए तो पैसे की मात्रा भी बढ़ती है व्यक्ति के जीवन में। और ये अगर स्क्वायर कंप्लीट होगा, मैं उस टिल्टेड में फोटो में देखने की कोशिश करूंगा, अगर ये स्क्वायर कंप्लीट होगा तो 32 के पहले कोई ना कोई प्रॉपर्टी और 36 साल में अथॉरिटी पोजीशन पर पहुंचता है, और इतना बड़ा हो तो बड़े घर में रहने का सौभाग्य प्राप्त होता है। और ट्रायंगल तो ऑलरेडी है ही है इनके हाथ में, सरकारी जॉब वालों के हाथ में होता ही है, और ये ऑफिसर ग्रेड पे है। अंदरूनी मंगल इतना मजबूत नहीं है तो शारीरिक ऊर्जा इतनी अच्छी नहीं होगी, और 35 के आसपास कोई ना कोई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, इस तरह के जो डेली दवाई खाने वाले रोग है वो कोई ना कोई लागू होते हैं, जब मंगल आपका अंदरूनी मंगल अच्छा ना हो तो। और शारीरिक ऊर्जा एक आम इंसान से थोड़ी सी कमज़ोर होती है। हाँ, डेली रूटीन में कोई प्रॉब्लम नहीं आता, पर कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमजोरी महसूस करता है व्यक्ति। ये चाहेंगे तो मैं इसका भी उपाय दे दूंगा। भारी मंगल बहुत ज़्यादा अच्छा है, ऐसे लोग जब किसी से मिलते हैं एनर्जी के साथ मिलते हैं और सामने वाला कंफर्टेबल फील करता है, और संकट के समय व्यक्ति अपने लेवल पर संकट का सामना करता है। अब साइन भी है अच्छी, सब कुछ है, और है सरकारी जॉब, तो यहाँ पर देखिए, ये देखिए, ये विदेश से धन प्राप्ति के योग बनाता है, ये ट्रायंगल, ये व्यक्ति को कवि बनाता है या विदेश से धन प्राप्ति के योग बनाता है। और ये क्रॉस व्यक्ति को हमेशा भय पैदा रहता है, हमेशा भयभीत होता है, आगे मेरा क्या, इस तरह का भय सताता है। ये भी चाहेंगे तो इसका भी उपाय दे दूंगा। और बहुत ज़्यादा अच्छा चंद्र पर्वत है, ऐसे लोगों को पानी अच्छा लगता है, दूध से बनी वस्तु अच्छी लगती है, निर्णय शक्ति अच्छी होती है, नई नई चीज़ें करने का शौक होता है। और एक एडवांटेज और मिला हुआ है इनको, मनी ट्रायंगल काफ़ी उत्तम मिला हुआ है, तो राहु रेखाओं का असर उतना लेवल का नहीं होगा, और इतनी राहु रेखाएं भी नहीं है इस हाथ में, तो ज़्यादा घबराने वाली आवश्यकता नहीं है। अब इन्होंने एक सवाल पूछा था ट्रेडिंग, अब उसमें लिखा नहीं है शेयर मार्केट, तो मैं उसे शेयर मार्केट समझकर ही इनको जवाब देता हूँ। और वो जवाब के पहले एक एडिक्शन लाइन दिख रही है, ये व्यक्ति की लाइन हो तो कहीं ना कहीं व्यक्ति एक आध घंटा कंटिन्यू काम करे, उसके बाद ब्रेक लेता है, उसमें चाहे वो सिगरेट पिए, चाय पिए, कॉफ़ी पिए, भगवान का नाम ले, कोई दुनिया भर के एडिक्शन है, कोई ना कोई एडिक्शन व्यक्ति को लगता है, खालीपन महसूस होता है, उस खालीपन को भरने के लिए 10-15 मिनट के लिए बाहर जाता है व्यक्ति, वापस आता है और फिर वापस काम करने लगता है। अब शेयर मार्केट में अगर इनका इंटरेस्ट है तो देखिए, लॉन्ग टर्म की लाइनें भी है और शॉर्ट टर्म की लाइनें भी है, तो ये दोनों काम कर सकते हैं, और मैं इनको सलाह दूंगा दोनों काम करिए। और शुक्र अति उत्तम है, जब शुक्र अच्छा होता है तो अच्छे कपड़े पहनना, अच्छी तरह रहना, लग्जरियस लाइफ का शौक, और ये सारा पूरा भी करते। अब इनकी हृदय रेखा को देखें तो दो फोर्क बन रहे, इस तरह के फोर्क हो तो व्यक्ति अपनी बातें बहुत अच्छी तरह से लोगों के सामने रख सकता है, समझा सकता है। हृदय रेखा पूरी घुमाव ले रही है तो बहुत अच्छे स्वभाव के होते हैं, देवदूत टाइप के होते हैं, किसी के 100 रुपये भी बाकी होंगे तो सामने से देकर आए, इस तरह की मानसिकता होती है इनकी। देवदूत यानी इनका कोई बुरा भी कर ले तो उसका भी अच्छा करेंगे ये। हृदय रेखा काफी उत्तम है, ये लाइनें माँ बाप की सेवा करने वालों के हाथ में रहती है, और ये फ्लर्ट लाइन है, व्यक्ति दुखी भी हो तो थोड़ी देर दुखी होता है, उसके बाद खुशी ढूंढता है। अब माइंड लाइन भी अति उत्तम है,
यहाँ से शुरुआत हो रही है और सीधी चलकर अप टू एंड तक जा रही है, तो काफ़ी सीधी है। तो ये पत्नी के साथ जब खरीदी को जाते होंगे तो आजकल की दुकानों में बैठने की सुविधा नहीं होती मॉलों में, तो 10 मिनट भी अगर कोई व्यक्ति सीधा खड़ा रहे तो पीठ में दर्द होता है। बिना सपोर्ट के बैठ नहीं पाते, सपोर्ट मिल गया तो वो दर्द चला जाता है। निरीक्षण शक्ति बहुत पावरफुल होती है, हद से ज़्यादा, छोटी छोटी बातें निरीक्षण करते हैं और 5 मिनट भी बर्बाद नहीं करते, कोई ना कोई ज्ञान लेने की कोशिश करते हैं और रात को सोने के पहले भी ज्ञान लिए बिना नींद नहीं आती। तो काफ़ी उत्तम माइंड लाइन है, फुल निरीक्षण शक्ति वाली माइंड लाइन है। अब जीवन रेखा पर चले तो एक बहुत बड़ी राहु रेखा ने काटा था एज ऑफ 32 के आसपास, और इसी जगह कोई नियर एंड डियर की भी डेथ थी, इसके आसपास कोई नियर एंड डियर की भी डेथ हुई होगी। उसके बाद लगभग 34 के आसपास और राहु रेखा ने काटा है और ये लाइन यहां पर होगी तो नियर एंड डियर की डेथ पक्की है। मैं वो दूसरे फोटोग्राफ में बताने की कोशिश करता हूं। ये वाली, सॉरी, ये वाली तो 34 के आसपास भी कोई नियर एंड डियर की डेथ है और उसके 2 साल के बाद और नियर एंड डियर की डेथ की लाइन है। उसके बाद 37 के आसपास ये लाइन राहु रेखा है, 37 के आसपास। उसके बाद एक छोटी सी राहु रेखा आएगी, हल्की सी है, 42 के आसपास। फिर 47 में एक मध्यम टाइप की राहु रेखा आएगी, फिर बैक साइड में ऑफशूट है 50 के आसपास, 52 में बड़ी राहु रेखा है, 55 में सब कुछ है, राहु रेखा है, ऑफशूट है, नियर एंड डियर की डेथ है। फिर 59 में राहु रेखा है, 59 से लेकर 62 तक छोटी 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 दो तीन रेखाएं, तीन रेखाएं। फिर 67 में ऑफशूट है और नियर एंड डियर की डेथ की लाइन है और 71 में भी बैक साइड में ऑफशूट है। बहुत ज़्यादा स्ट्रांग राहु रेखाएं नहीं है, अब इतनी तो हर एक के जीवन में रहती है। अब इनके हाथ में एक और माइनस पॉइंट था जो इनको उसका फल मिल चुका होगा। ये 17 के आसपास कोई पिता को बड़ा आर्थिक नुकसान गया होगा, 17 की एज के आसपास बड़ा आर्थिक नुकसान सहन किया होगा। उसके बाद 32 के आसपास या 31 के आसपास या तो पारिवारिक खर्चा आया होगा या कोई नुकसान गया होगा। उसके बाद 34 के आसपास एक छोटा सा नुकसान जाएगा, 34-35 के आसपास। फिर बड़ा नुकसान इनको एज 44 के आसपास जाएगा। यहाँ पर इन्होंने जो संपत्ति जमा की होगी उसका 20% से 25% चला जाएगा, इतना बड़ा आर्थिक नुकसान जाएगा इनको। और ये लाइन यहाँ से निकलती होगी तो ये इन्वेस्टमेंट भी होगा 45 के आसपास। एक छोटा सा नुकसान 56 के आसपास जाएगा और इन्वेस्टमेंट वाली लाइन और है जो इनको ये भी ग्रोथ देगी, ये 41 के आसपास स्टार्ट होगी और ये भी उत्तम लाइन है। अब इनकी धन रेखा को देखें, मुझे लगता है इतनी अच्छी साइन होकर भी यहां तक धन रेखा इतनी उत्तम नहीं है, चाहिए वैसी धन रेखा नहीं है।
और उसके बाद ये स्ट्रांग होती हुई दिख रही है 36-37 से अप टू जीने तक स्ट्रांग ही लग रही है। और ये इन्वेस्टमेंट वाली लाइन भी स्ट्रांग है, पर इन्वेस्टमेंट वाली लाइन जो चालू होगी उसके 4 साल के बाद आर्थिक नुकसान जाएगा इनको बड़ा। और ऐसी दूसरी भी इन्वेस्टमेंट वाली लाइन है, ये भी काफ़ी अच्छी लग रही है। तो पैसे के मामले में ऐसा कोई बहुत ज़्यादा तकलीफ वाला हाथ नहीं है, केवल ये एक माइनस पॉइंट है। और ये जो पिता को आर्थिक नुकसान सहन किया होगा वो समय निकल चुका है, अब तो ये 33 के ऊपर हो चुके हैं, ये 17-18 साल के आसपास की बात है। हाँ, ये 20-25% आपके जीवन से लेकर चली जाएगी। हाँ, ये सरकारी जॉब में कई बार ऐसा भी होता है कि व्यक्ति सरकारी जॉब छोड़ देता है। मेरे पास ऐसे भी किस्से आए, बड़े स्तर के जो सरकारी ऑफिसर होते हैं वो फिर बिजनेस या पॉलिटिक्स में चले जाते हैं, तो वो रिजाइन दे देते हैं। तो भी इस तरह की लाइन मैंने देखी है, तो वो बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान नहीं देती। तो ये भी पॉसिबल हो सकता है यहाँ पर, ये 44 में रिजाइन दे देवे और फिर कोई अपना व्यापार शुरू करे, ऐसा भी पॉसिबल है, क्योंकि साइन तो बहुत बढ़िया है इनके हाथ में, बहुत उत्तम साइन है। तो समृद्धि तो जीवन में काफ़ी उत्तम रहेगी। आशा रखता हूँ इनके सभी प्रश्नों के जवाब इनको मिल गए होंगे। और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।